चिकन को हम ब्राउन करने तक फ्राई करेंगे। ओनियन हो चुका है ब्राउन कलर का। अभी हम डालेंगे मसाला पेस्ट को। यह मसाला पेस्ट, इसमें मैं टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन डाला है क्योंकि अच्छा फ्लेयर आने के लिए तरकारी में। अभी मसाला को तो थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे हम। हो चुका है फ्राई। हम डालेंगे हल्दी। अभी डालेंगे हम लाल मिर्च। अभी डाल रहा हूँ एक करी का मसाला। सभी मसाले को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। वो मसाले को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे 2 मिनट। मसाला को थोड़ा सा फ्राई होने के लिए छोड़ देंगे। मसाला हो चुका है फ्राई। अब हम खाने के लिए जितना उसका जूस रखेंगे उतना ही पानी डालेंगे। पानी डाल दिया और स्वाद अनुसार नमक को छोड़ूंगा। अब हम फ्राई के आलू को हम छोड़ देंगे इसे। अभी इसको छोड़ देंगे थोड़ा सा। पानी का क्लियर आने तक इसमें उसे ढककर उड़ा के छोड़ देंगे। अभी हम थोड़ा 2 मिनट हो गया ढककर निकालते हैं। देखो तरकारी अच्छी हो गया। हम एक को छोड़ेंगे तरकारी में। हो गया। अंडे को छोड़ने के बाद 2 मिनट ढक्कन डाल देंगे। देख लीजिए तरकारी हो गया है रेडी। अब बाय। तुम्हारे पास धनिया पत्ता है तो छोड़ दो तरकारी में, अच्छा लगेगा।